नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे ये हेयरिंग एड मशीन। तो दोस्तों, ये है HP साउंड की तरफ से आने वाली मॉडल HP 116 हेयरिंग एड मशीन। तो दोस्तों, इस मशीन की खास बात यह है कि आप इसे चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके नोन में कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसा पर्सन आपके घर में जिसको कम सुनाई देता है, तो उसके लिए आप ये मशीन परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे बॉक्स में इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं, ये देख सकते हो आप। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ये दोस्तों मैंने परचेज करी थी फ्लिपकार्ट पर, और यहाँ पे देखिए बॉक्स कंटेंट मेंशन करे गए हैं। ये आपको 3000 के आसपास मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया दोस्तों। तो चलिए बॉक्स ओपन कर लेते हैं, निकालते हैं कंटेंट्स को बाहर, देखते हैं कैसी ये मशीन है, कैसी इसकी क्वालिटी है। दोस्तों ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारी मशीन, हेयरिंग एड मशीन। तो दोस्तों वैसे तो ये 700-800 या 1000 वाली भी मिल जाती है, बट उनमें सेल डला होता है, और वो जो सेल होता है वो एक महीने में ख़त्म हो जाता है। बट इस मशीन को आप चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी सारे आपको एक्स्ट्रा ए टिप्स मिल जाते हैं डिफरेंट साइज़ के। तो जो भी साइज़ आपको सूटेबल लगता है, जो भी साइज़ आपको प्रॉपर फिट आता है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। एंड ये काफ़ी सिलिकॉन सॉफ्ट मटेरियल से बने हुए हैं, एकदम फ्लेक्सिबल है। ये देखिए, यहाँ पर देख भी सकते हो आप, ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है ये। तो जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक माइक्रो एसबी केबल मिल जाती है इस मशीन को चार्ज करने के लिए, नॉर्मल सी क्वालिटी है इसकी। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक चार्जर मिल जाता है इस मशीन को चार्ज करने के लिए, या फिर आप पावर बैंक का भी यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मली अपने मोबाइल का चार्जर भी यूज़ कर सकते हो, जो कि 5 वोल्ट 1 एम्पियर से ऊपर नहीं होना चाहिए। वैसे ये जो है 5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का चार्जर है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक यूज़र मैनुअल भी मिल जाती है, ये इंग्लिश में है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी है, इस मशीन को यूज़ करने से पहले आपको इस मैनुअल को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए रखते हैं सबको साइड में और आते हैं अपनी इस मशीन की तरफ। तो दोस्तों, ये है हमारी हेयरिंग एड मशीन। तो दोस्तों ऐसी कुछ ही मशीन आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल सा पाइप दे रखा है, ट्रांसपेरेंट है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ आगे की तरफ आपको यहाँ पे एयरबड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपने आगे की तरफ जो टिप है उसमें आपने सिलिकॉन टिप लगानी है, एंड इसे आप देखिए एडजस्ट भी कर सकते हो जिस डायरेक्शन को भी आपने इसे घुमाना हो। देखिए काफ़ी फ्लेक्सिबल है ये, एडजस्टेबल भी है ये, देखिए। एंड यहाँ पे आगे की तरफ आपने टिप में वो एक्स्ट्रा ए टिप लगानी है, जो भी आपको साइज़ में सूटेबल लगता है। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे साइज़ हैं, तो इसको लगाना भी काफ़ी ईजी है। देखिए आप ऐसे ऐसे दबा के इंसर्ट करोगे तो देखिए बहुत ईजिली ये लग जाती है, ये देखिए लग चुकी है ये। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे साइज़ आपको वैसे मिल ही जाते हैं, जो भी आपको साइज़ ठीक लगता है वो आप लगा सकते हो। एंड देखिए बैक साइड से मशीन कुछ ऐसी दिख जाती है, यहाँ पर स्क्रूज़ वगैरह लगे हुए हैं, ये देखिए काफ़ी सारे स्क्रू लगे हैं। फिनिशिंग भी इसकी ठीक ठाक सी है। एंड यहाँ नीचे की तरफ आपको माइक्रो एसबी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। एंड ये यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक ऑन ऑफ बटन दे रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी कम ज़्यादा करने के लिए एक बटन दे रखा है, ये देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसे ऑफ कर सकते हो, नॉर्मल या हाई पे भी रख सकते हो इस बटन को। एंड इसमें दोस्तों आपको नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर भी मिल जाता है, ये देखिए। एंड यहाँ पे इसका जो ब्रांड नेम है, ये HP साउंड है, तो ये कोई बहुत बड़ा ब्रांड तो नहीं है, नॉर्मल ब्रांड है। और इसकी क्वालिटी पर जो है इस डिवाइस की, वो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। और वैसे में परफॉर्मेंस से मतलब है, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कंट्रोल के लिए आपको बटन मिल जाता है, तो यहाँ से आप आवाज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों इसको यूज़ करके देखते हैं। तो यूज़ करने से पहले मैं आपको इसे चार्ज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये माइक्रो एसबी केबल आपने लगानी है इस पोर्ट में, ये देखिए। एंड ऐसे आपको एक ग्रीन LED इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। और दोस्तों आप इसे चार्ज कर सकते हो पावर बैंक से भी, देखिए मैं अभी पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ, या फिर आप ये चार्जर भी यूज़ कर सकते हो जो कि आपको इसके साथ मिलता है, या फिर आप अपने मोबाइल का चार्जर भी यूज़ कर सकते हो 5 वोल्ट 1 एम्पियर तक, इससे ऊपर नहीं तो इसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ लुक आपको मिल जाता है जब आप वेयर करते हो इस मशीन को कानों में, और ऐसे कुछ लगेगी देखने में। एंड यहाँ पे मैंने इसे अपने ऊपर भी ट्राई करके देखा था, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छी आ रही थी, काफ़ी क्लियर वॉल्यूम आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम है आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो, और इसमें जो नॉइस कैंसिलेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस मशीन को परचेज़ कर सकते हो, इसमें रिचार्जेबल फंक्शन है जिस वजह से आप इसको चार्ज कर करके काफ़ी लंबे टाइम तक आप इसे यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।